इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के लिए नए नवेले फ्लैट कब बनेंगे और कब बसेंगे? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर इसका जवाब भी है। मुलाजमीन को कम से कम वक्त में जदीद रिहायशी सहूलतें फराहम करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के तहत जिस रफ्तार से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, इसमें तेज़ी आ गई है। हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत के नुमाइंदे के मुताबिक स्काईलाइन फ्लैट्स में कुल 3,945 यूनिट्स हैं, जबकि चकलाला स्कीम में 3,432 अपार्टमेंट्स हैं। इंतजामिया के मुताबिक हाउसिंग एंड वर्क्स के वजीर मौलाना अब्दुल वासे भी मुलाजमीन के लिए रिहाइश की सहूलतें फराहम करने में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की थी कि FGEHA के जारी मंसूबों जैसे कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट्स G13 चकलाला हाइट्स पर भी काम ज़रा तेज़ किया जाए। इत्तलात के मुताबिक दोनों स्कीमों की तामीर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वजीर की हिदायत के तहत मुलाजमत की जगह पर मुलाजमीन को मयार और वक्त पर तकमील को यकीनी बनाने के लिए इन इकदामात के अलावा FGEHA मुलाजमीन और दीगर समाजी ग्रुपों के लिए हाउसिंग के नए इकदामात भी शुरू कर रही है। स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी न्यूज नेटवर्क स्टार न्यूज एंड व्यूज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।